रोनाल्डो को उसी टाइम स्कूल से निकाल दिया गया और बोला गया कि अब ये लड़का कुछ करने होने वाला नहीं है। अगर आप में इग्नोर करने की आदत है ना तो ये सही है, इसे बुरा मत मानिए, ये सही है और ऐसा होना भी चाहिए। दरअसल जब रोनाल्डो छोटे थे वो स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम उनके टीचर उन्हें बहुत पीटते थे केवल पढ़ने के लिए। वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे लेकिन खेलने में उस टाइम भी वो बहुत आगे थे और इसीलिए टीचर उन्हें हमेशा पीटते थे। लेकिन रोनाल्डो हर चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने पिटाई को भी इग्नोर कर देते थे, लेकिन कभी कभी तो आदमी इरिटेट हो ही जाता है ना। रोनाल्डो ने भी एक बार अपने टीचर के सर पे चेयर चलाकर उनका सर फोड़ दिया था, जिसके वजह से रोनाल्डो को उसी टाइम स्कूल से निकाल दिया गया और बोला गया कि अब ये लड़का कुछ करने होने वाला नहीं है, इसे अब आप काम धंधा पे लगा दीजिए। लेकिन रोनाल्डो हर चीज़ को इग्नोर करते गया और आज वो कहाँ है ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए आदमी में जुनून होना चाहिए और इग्नोर करने की भी आदत होनी चाहिए, लेकिन इग्नोर आपको कब करना है, किसे करना है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे हरामी लोग आते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आपके कामों में, लेकिन आपको उनको इग्नोर हमेशा करना है। इग्नोर करते रहिए, जो आता है, जो आपको डीमोटिवेट करता है करने दीजिए,